आज का क्या क्या नाम देना चाहोगे इस कला का? सेल्फ लोग बोलते सीतामढ़ी में है क्या देखने को, एक जानकी मंदिर पुनौरा धाम के अलावा कुछ नहीं है। तो भाई उन लोगों के लिए कहना चाहूँगा, जानकी मंदिर और पुनौरा धाम के अलावा भी एक ऐसा धार्मिक स्थल है जिसकी सत्यता हमारे प्राचीन से जुड़ी हुई है। तो गाइज वेलकम बैक टू माई न्यू वीडियो। सो गाइज कुछ दिन के बाद अब ये ब्लॉग आ रहा है। बीच में काफ़ी थोड़ा बिजी शेड्यूल था, हैक्टिक पूरा ये मंथ गया है बिकॉज मम्मी का थोड़ा तबीयत ख़राब हो गया था और एग्ज़ाम था बीच में, सो इसकी वजह से पूरा मंथ बहुत हैक्टिक गया है। सो गाइज पूरे सावन में एक दिन भी मैं स्पेशली जल ढारने नहीं गया भोले बाबा को। तो आज सावन का लास्ट डे है, मंथ ऑफ डे। सो गाइज आज जा रहे हैं भोला बाबा को जल ढारने और आज रक्षाबंधन भी है। तो सबसे पहले आप सभी बहनों को हैप्पी रक्षाबंधन मेरी तरफ से। और गाइज ये इतना पावन त्यौहार होता है कि आप सब अपनी बहनों को विश करें और ये डे को उनके लिए स्पेशल बनाएं। मेरी बहन तो इतनी दूर रहती है कि मैं इस बार एग्ज़ाम की वजह से मैं जा नहीं पा रहा, क्योंकि 23 को मेरा एग्ज़ाम है कल, तो मैं जा नहीं पा रहा। इसके लिए बहन बहन होती है भाई, उनका प्यार ऐसा होता है, अनकंडीशनल होता है, जिसका कोई माप नहीं सकता कोई। तो चलो इसकी बात ही करते हैं। सो गाइज ये मैं हूँ, ये हरिओम है और ये हमारी गाड़ी है, ठीक है। और कोई पार्टी नहीं हो रही, हम लोग मंदिर जा रहे हैं। सो चलते हैं मंदिर। तो भाई हरिओम भाई, हम लोग कहाँ जा रहे हैं, कौन सा मंदिर जा रहे हैं हम लोग? मढ़िया जा रहे हैं। मढ़िया ये कहाँ पे? मढ़िया ये मढ़िया आपको भूथी में पड़ती है, बरसा रोड भूथी में। ये मढ़िया भोले बाबा का मंदिर है, अभी तक मैं कभी नहीं गया वहाँ पे। आज चलते हैं देखते हैं कैसा है। मैं फर्स्ट टाइम नाम भी सुना, हलेश्वर स्थान पथाड़ी सुना था, बट मढ़िया फर्स्ट टाइम सुना है नाम, और पता नहीं कैसा मंदिर है। मंदिर समझ में होता, बट ये कहाँ पे एग्जैक्ट लोकेशन क्या है और कैसा मंदिर है पूरा एक्सप्लोर करेंगे, आप लोग देखिएगा। एंड अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो गाइस चलिए सफर पे बने रहिए, पूरे ब्लॉग में बने रहिएगा, फुल डिटेल आपको मिल जाएगा। ये जो सीतामढ़ी से सोनवर्षा रोड आ रही है, ये वाली सीतामढ़ी से सोनवर्षा रोड आ रही है, और यहाँ से आपको राइट टर्न लेना है, इस चौक से राइट टर्न लेना है। पूरे सावन में तो हम लोग एक बार भी मंदिर नहीं गए थे, लास्ट सावन था, सावन का लास्ट डे था, भोला और फर्स्ट टाइम था हम लोग का यहाँ पे। जो अभी मंदिर हम लोग अभी विजिट करके आए हैं, वहाँ की खासियत क्या है कोई भाई से जानते हैं, भाई ने पहले भी विजिट कर रखा है। मंदिर स्टेबल कैसे हुआ था, मतलब क्या मतलब मान्यता है इस मंदिर का, कैसे स्थापना हुई थी? बहुत साल पहले की बात है कि एक किसान है जो अपना खेती कर रहा था, तो हल चला रहा था, हल चलाते हुए उनको इस मंदिर पर हल्का सा क्रोच लग गया, जो शिवलिंग पे क्रोच लग गया तो वो ब्लड फेंकने लगा। जमीन से इनका यहाँ उत्पत्ति हुआ, शिवलिंग का मिलना हुआ, जब उसके बाद इन लोगों ने पूजा पाठ करके यहाँ मंदिर का स्थापना किया। ये यहाँ की खासियत है। गाइज अभी वहाँ से भोले बाबा का दर्शन करने के बाद यहाँ पे हाईवे से ही राइट लेने पे पंथ पाकर एक जगह है, जहाँ पे सीता माँ ने दातुन करके फेंका था, तो वहाँ पे पेड़ उगा था। तो ये आप पंथ पाकर देख रहे हैं पीछे, ये पंथ पाकर है। तो चलिए अब अंदर चलते हैं और अंदर का व्यू देखते हैं कैसा है।
हरिओम भाई, कैसा सीन है यहाँ का? यहाँ का सीन है कि जब माँ सीता का शादी हुआ जनकपुर धाम में, अच्छा, और शादी होकर के जब उनकी वहाँ से विदाई हुई, विदाई होने के बाद उनका डोली जब अयोध्या की ओर जा रही थी तो यहाँ पर रुक करके विश्राम की, और विश्राम करने के बाद उसी समय वो दातुन की थी, और दातुन की और दातुन करने के बाद जो दातुन वातुन की तो उसी का, उस दातुन का वृक्ष आज भी यहाँ पे उपलब्ध है। ओके, पेड़ है, यही पेड़ है जो माँ सीता का दातुन का। ये चीज हम दंत कथा से हम जानते हैं, जो जानकी जो दातुन करके फेंक दिए, जो एक पकड़ का फेंक दिया है, छिपली करके फेंक दिया, जो पुण्य हो गया है, ये दोनों चीज अमर तत्व पाए हुआ है। जब तक सृष्टि रहेगी तब तक एक पेड़ रहेगा और पुण्य है। अच्छा, मेन सोर यही है, यहीं से सब शाखा गई हुई है। आइए वाल्मीकि रामायण में, आनंद रामायण में, आध्यात्मिक रामायण पद पुराण में चार गुरु की चर्चा है। इस जगह के पाकड़ नाम से पद पाकड़ जाने जा रहे हैं। जगह का नाम पद प्रगट है। पद प्रगट की मतलब जब जनकपुर गए, अयोध्या गए और पशुराम जी महल प्रगट। ये जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ का मेन सोर है। जिसकी बहुत सारी शाखाएं इधर उधर फैली हुई हैं, जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि यहाँ फैली हुई हैं, वहाँ है। नहीं है इसको, जो कोई काटता है काटेगा, वो आदमी मर जाता है। कोई ऑर्डर नहीं कर सकता इसको काटने के लिए, जो ऑर्डर करेगा वो पहले मरता है, ऐसा इतिहास हुआ। ऐसा सुनने में आया कि पता भी नहीं करता, पता जो न जाने छे, अब धिया पुता दू गो चार गो चढ़ करके दाढ़ी तोड़ दै छे तो ओकरा कथी होइ छे, कुछो न होइ छे। आ कोई जान बुझ करके, कोई जान बुझ करके कुल्हाड़ी चला कर देखो जो अपना जान उसको क्या खा रहा है, उनका पानी कर सुखाया नहीं, सब जाए बुरा चल रहा है। लेकिन सूखता नहीं, बचपन में हम बचपन रहिए तो बड़ा बड़ा काल पड़े तब तक इंदा पकड़ी सूख जाए, लेकिन आए पानी देखिए अच्छा ना लगे, गंदा लगे, लेकिन हाथ मत मत करेंगे तो आपको पता चलेगा क्या है। पानी साफ, इस पानी में कीड़ा होता भी नहीं। पेड़ पुराना होगा कैसे? अद्भुत चीज है, जब भी पुराना होता है तो नया चीज उसको मेकअप कर देता है। जहाँ भी डाली सड़ता है ना, वो जड़ उसको सपोर्ट कर देता है। 35,100 बरस से ये सब पेड़ है। रामा अवतार के बाद कृष्णा अवतार हुआ, कृष्णा अवतार बाद खिचड़िया चल रहा है, कलयुग बरस जो चल रहा है। उसने काटने का कोशिश किया था पेड़, काट दिया था। अच्छा, जेठ भाई कहा छोट भाई को काट देने के लिए। अच्छा। काट दिया, काटने के बाद खून निकल रहा था। अच्छा। तब पेड़ में से रात में काट दिया, पेड़ में से खून निकल रहा। तब उसको कुछ का बीमारी हो गया, पत्तों दल खर्चा किया, नहीं बच पाया, 6 महीना में खत्म हो गया। और जिसने काटा था छोटा भाई, वो उसको रात में काटा, दिन में अंधा हो गया, सवेरे आँख में लहरे रह गए, उसके बीमारी बोले 25 बरिस भेट कर लिया, 500 महीना पहले 25 बरिस भेट। हाँ, अंधा बन करके कुष्ठ का बीमारी हो गई तो देखने में नहीं बनता था, और जैसे खाना दाना है ना उतना सब दूसरे को मारता। ये जो आप घर देख रहे हैं, तो बाबा ने जैसा भी स्टोरी बताया कि ये घर वाले के लिए, जो जिनके घर पे गया ये पेड़, तो ये पेड़ काटे तो पेड़ से खून निकल रहा था, और उनके साथ क्या घटना हुई बाबा ने आपको सुनाया ही। तो यहाँ का ये मान्यता है कि यहाँ का कोई भी पेड़ का कोई भी लकड़ी नहीं तोड़ा जाता है, नहीं काटा जाता है। यही वो पंथपाकड़ जगह है जहाँ पे आप लोगों ने अभी देखा बहुत सारा पेड़ का तना एक दूसरे से कनेक्टेड है, ज़मीन से बहुत सारा फैलता ही जा रहा है, ये रुक नहीं रहा है, फैलता ही जा रहा है। और जैसा बाबा ने बताया कि यहाँ का पौधा का कोई भी लकड़ी नहीं तोड़ा जाता है, तोड़ने वाले के साथ क्या होता है, प्राकृतिक आपने सुना ही, उनके मुँह से ही सुना कि क्या होता है, तो ऐसा मानना है यहाँ का। तो बहुत
बहुत ही खूबसूरत लोकेशन है, बहुत ही शांति है यहाँ पे। अगर आपको कभी भी टाइम मिले तो आइएगा, ज़्यादा दूर नहीं, अपने सीतामढ़ी से अप्रॉक्सीमेट 25 किलोमीटर पड़ता है आपको। तो गाइज आप लोग एक बार ज़रूर विजिट कीजिएगा यहाँ पे और आके यहाँ की खूबसूरती को आप लोग देखिए। कार पंथपाकर धाम हिंदू धर्म के लिए विशेष महत्वपूर्ण स्थान, सीतामढ़ी जैसे जानकी माँ का इतना बड़ा स्थल है, उसके बगल में होने के बावजूद भी इतना लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं। इसके पीछे कारण है कि इस जगह का विकास जो है सरकार के स्तर से या स्थानीय जनप्रतिनिधि के स्तर से नहीं किया जा रहा है, इस कारण जो है इस जगह का प्रचलन नहीं हो, दूर दूर तक नहीं है। स्थानीय लोग के माध्यम से ही दूसरे लोग भी जानते हैं कि हाँ एक पंथपाकर धाम भी है जिसकी इतनी महत्ता है। आपका पर्सनली फीलिंग क्या, वहाँ जाने के बाद आपको अपना अंदर से कैसा फील हो रहा था आपको? वहाँ जाने के बाद जो है जो जगह शांतिमय है और वहाँ जो है ऐसा जगह है कि अगर सुबह से शाम तक वहाँ विश्राम किया जाए बिना खाए पिए फिर भी किसी प्रकार का थकान महसूस नहीं, थकान और बोरिंग फील नहीं हो। अब जानकी मैया से इतने जुड़े हुए लोग हैं, जानकी माता मंदिर से आप लोग इतने जुड़े हुए लोग हैं, मतलब आप लोग, आपको भी पता नहीं था कि पंथपाकर एक ऐसा जगह सीतामढ़ी में है? मैं पहली बार विजिट किया यहाँ, मैं पहली बार विजिट किया इतने सालों में। एक बार आप लोग जरूर आइए, बहुत ही खूबसूरत जगह है एकदम एकदम एकदम। जैसा कि अभी जीजा जी ने बताया कि वहाँ के जनप्रतिनिधि के द्वारा उतना या फिर गवर्नमेंट के द्वारा इतना ध्यान नहीं दिया जा रहा है इस जगह पे, जबकि इतना खूबसूरत जगह है, इतना नेचुरल व्यू है और सबसे बड़ा चीज की इतनी सत्यता है वहाँ पे। गाइज एक बार आप लोग आना जरूर, देखना, बहुत शांति फील होता है वहाँ पे, मतलब अंदर से इमोशन जो बता रहा हूँ मैं, बहुत ही अच्छा फील हुआ मेरे को पर्सनली, बहुत अच्छा फील हुआ। एक बार आप लोग जरूर विजिट करना और देखना पंथपाकर, और हो सके जितना से ज़्यादा हो सके मेरे वीडियो को शेयर करो ताकि लोगों को पता चले कि ऐसी भी जगह हमारे सीतामढ़ी में है जो बहुत लोगों को पता भी नहीं कि लोग बोलते सीतामढ़ी में है क्या देखने को, एक जानकी मंदिर पुनौरा धाम के अलावा कुछ नहीं है। तो भाई उन लोगों के लिए कहना चाहूँगा, जानकी मंदिर और पुनौरा धाम के अलावा भी एक ऐसा धार्मिक स्थल है जिसकी सत्यता हमारे प्राचीन से जुड़ी हुई है। तो गाइस एक बार जरूर आप लोग विजिट करना पंथपाकर। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्रेस द बेल आइकन और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप तक सबसे पहले ये वीडियो पहुंच सके। सो गाइस फिर से मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।